राम राम भाइयों, भाई आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई सागर तंवर जी, और हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। कहाँ जा रहे हैं ये हमें भी नहीं पता लेकिन मौसम अच्छा है, जा रहे हैं बस घूमने के लिए। तो आप भी चलो हमारे साथ। भाई हम पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत जगह, और वो कहीं और नहीं हमारे अपने गाँव घूमट मंदिर पर है। मगर गलती हमसे एक हो गई भाई। गलती क्या होगी बताना। अभी हम बगैर नहाए धोए आगे, सुबह सुबह मौसम अच्छा था। ये हमारे कुल देवताओं का मंदिर है, बाबा घूमट मंदिर। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर कोई लोभ लालच कुछ नहीं, बिल्कुल पेवर देसी सादा मंदिर है, जैसा पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। 500 साल पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हमारे कुल देवताओं का मंदिर है, हमारे सारे गाँवों की देन बाबा ये। आज हम जो कुछ भी हैं बाबा की वजह से। और घूमट मंदिर के ऊपर दोस्तों एक से एक अच्छे भजन भी बने हैं, बहुत मशहूर मशहूर। आप YouTube पर सर्च करना घूमट वाले बाबा, आपको एक से एक अच्छे मिलेंगे। और आप दर्शन भी कर लो, अभी बाहर से करवा पाएंगे क्योंकि हम अचानक प्लान बन गया कि भाई चलो घूम कर आते हैं, तो बिना नहाए धोए आ गए। बंदर गाय यूं ही घूमते रहते हैं, खाते पीते चरते रहते हैं। एक अलग ही मजा है भाई, अगर हम कितने भी परेशान हैं, क्योंकि हम दिन रात काम धंधे इनके बारे में सोचते रहे, टेंशन लेते रहे ना बड़े भाई। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। हाँ। मंदिर पे जब भी आते हैं इतना सुकून मिलता है, सारे दुख दर्द भूल जाता है इंसान। और हर जगह कच्चा ही कच्चा, हरा ही हरा, तो भाई एक अलग ही मजा है। तो आप सब भी हफ्ते में कोशिश करे करो, एक दिन का समय निकालो, अपने परिवार के साथ आओ, यार दोस्तों के साथ आओ। और दोस्तों गांव फतेहपुर बेरी में, ये सतबड़ी में पड़ता है हमारा घूमट मंदिर, आप यहां आइए फैमिली के साथ। आप जब भी मंदिर आएंगे तो मंदिर पर जाने के बाद एक अलग सी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, इसलिए मंदिर पर जरूर जाना चाहिए अपने परिवार के साथ। जब भी आपको समय मिले मंदिरों पर जरूर जाओ, वहां बैठो, बहुत सुकून शांति मिलेगी मंदिर पर बैठने से। हमारा घूमट मंदिर सबसे प्यारा सबसे न्यारा मंदिर। दोस्तों ये बांस के पेड़ आप देखिए। दोस्तों हमारे इन मंदिरों की एक सबसे खास बात ये भी है कि अभी जैसे मैं उज्जैन घूमकर आया, वहां पर मंदिरों में गए, तो वहां पर जो पुजारी हैं उन्होंने एक अलग ही बिजनेस बना रखा है। जैसे भाई अगर भगवान के दर्शन करने तो 500 रुपये लगेंगे, 5000 लगेंगे, तो यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। यहाँ आप आओ, कोई एक रुपये आपका मन हो आप दान पात्र में चढ़ा सकते हो, ना मन हो मत चढ़ाओ। और यहाँ पर गौशाला भी है, बड़ी गौशाला है। आपको गाय के पेवर दूध की चाय मिलेगी, छाय मिलेगी, दूध मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। और एक देसी जिंदगी जो हमारे बड़े बूढ़ों ने देखी थी, उस जिंदगी को आप भी फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। ये मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं, पुराने वृक्ष हैं, इधर मेहंदी के पेड़ हैं, इधर बांस के पेड़ हैं, जैसे घने जंगलों में होते हैं। बहुत सुकून, बहुत शांति है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और हमारे बाबा घूमट वाले के तो क्या कहने, हमारे गांव बसाए ही बाबान की मेहरबानी है, बाबान की देन है। और दोस्तों जो दिल्ली है, आप दिल्ली का इतिहास देखना, दिल्ली के तंवर राजा है, जैसे हमारा जो गोत्र है तंवर गोत्र, कमल तंवर, सागर तंवर, रंगपाल तंवर जी, वो दिल्ली के राजा रहे हैं। 1100 ईस्वी में अनंगपाल तंवर दिल्ली के राजा थे। मुगलों ने आतंक मचाने के बाद दिल्ली को छीन लिया था तंवरों से, इतिहास में दिल्ली तंवरों की कहलाती है। और आज भी भगवान की दया से हमारे 8 गाँव और बहुत मजबूत और बहुत दबंग गाँव है, वो सब बाबान की मेहरबानी। दोस्तों एक बार हमारे कहने से आओगे और बार बार अपने मन से आओगे, बोल बाबा घूमट वाले की जय। भाई घोड़ी रख रहा कि बाबा ना बिना है। हमारे घूमट मंदिर पर आकर आपको एक सबसे बड़ा मैं कहूंगा सेवा करने का मौका मिलता है हमारी गौ माता का। यहाँ गौशाला बना रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी गौशाला है। यहाँ पर लगभग 100 गाय के आसपास तो होंगी भाई। हाँ, 100 के आसपास। 100 गाय के आसपास रहती है, आप यहाँ आओ। और दोस्तों गाय का आपको दूध भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, और दर्शन तो होंगे ही।
ये बाबा की फेवरेट एक घोड़ी भी है, ये घोड़ी भी है, ये कई सालन तय भाई? हाँ, छोटा सा बच्चा लाए थे, अब बड़ी होगी। गाय हैं, बिजार भी हैं, सारी देसी गाय हैं लगभग लगभग। ये भाई गाय की सेवा करते हैं। क्या नाम बड़े भाई आपका? बच्चन। बच्चन, ये अमिताभ बच्चन की मौसी के लड़के हैं दोस्तों, और अमिताभ बच्चन से कई गुना ज्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि ये गाय की सेवा करते हैं। क्यों जी? और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जो फिट है। और भाई की आप बॉडी देख सकते हो भाई, एक बार डोले सोले दिखा दे एक बार। भाई वाह, तो हुआ ना भाई अमिताभ बच्चन तो अमीर, अमिताभ बच्चन से अमीर है। दोस्तों आज मैंने आपको बाबा घूमट वाले के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी एक दिखा दिया, अमिताभ बच्चन की मौसी का लड़का। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे देसी पिल्ला भी मिलते हैं, कुत्ते भी, इनकी भी सेवा होती रहती है। आप इनके लिए भी रोटी वोटी ला सकते हो घर से। और यार बात करने के लिए तो यहाँ इतनी चीजें हैं, पेड़न की छाव है, कितनी भी धूप पड़ रही हो आप यहाँ हो, यहाँ का एक अलग ही आनंद है, अलग ही मजा है। मैं पूरा दिन निकल जाएगा, पर यहाँ की तारीफ कम ना हो सकती ना भाई। हाँ जी, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और मौसम बहुत सुहाना रहता है यहाँ पे। कितनी भी गर्मी हो लेकिन यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि नेचुरल ठंडी हवा आती रहती है यहाँ पे, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और दोस्तों एसी की बासी हवा को छोड़कर यहाँ जंगलों में आओ शुद्ध हवा लेने के लिए, मजा आ जाएगा। गौ माता बैठी पेड़ों के नीचे, देखिए भाई गौ माता की भी मौज आ रही है। दोस्तों अब हम घर चल दिए हैं, घर की तरफ, और देखो रास्ते में हमें मोर भी दिख गया। तो चलो फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।